हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस का माइक्रो एसेंस रिवाइटल क्रिस्टल शीट मास्क। इसका मैं आपके साथ आज रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, ये क्या बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए। तो मैंने पहले भी शीट मास्क यूज़ कर रखा है। मैंने गार्नियर का शीट मास्क अप्लाई कर रखी हूँ, लैक्मे का शीट मास्क अप्लाई कर चुकी हूँ, नायका का भी शीट मास्क। तो शीट मास्क बहुत ही अच्छा, और आजकल शीट मास्क बहुत ट्रेंड में है क्योंकि ये बहुत इजी हैंडी है। आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी जाना है, क्विक रेडी होना है, तो आप हर जगह फेस पैक लेके नहीं जा सकते। आप फेस पैक लगाओगे, ऊपर से आपको उसको वॉश करने के लिए वाटर चाहिए। तो शीट मास्क बहुत इजी तरीका है खुद के स्किन को पैम्पर करने के लिए, बहुत जल्दी ग्लो के लिए। तो आप कहीं भी ट्रैवल भी कर रहे हो तो इसे अपने पर्स में इजीली कैरी कर सकते हो, और इसे बस अप्लाई करके 15 मिनट्स छोड़ के बस ये स्किन में सारे सीरम एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है। तो मैंने ना लॉरियल ब्रांड, तो आपको पता है कि बहुत ही अच्छा, मैंने इसका माइक्रोसेंस वाटर ट्रायल कर रखा है एंड वो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट था। तो अब मैं इसका शीट मास्क यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। और ये आपको अराउंड, इसका प्राइस आपको अराउंड पड़ता है 150 रुपीज एक शीट मास्क का। बट आपको ना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब पे सेल में ये आपको अराउंड 130-120 में मिल जाता है। एंड ये आपके स्किन में ना बहुत ही, मतलब कि ये आपके स्किन में बहुत डीपली, मतलब कि 10 लेयर डीपली पेनिट्रेट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा शीट मास्क है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेकअप को रिमूव करूँगी। मैं मेकअप रिमूव करने के लिए गार्नियर का मिसलेन वाटर ले रही हूँ। फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आपको जितने भी मेकअप हैं वो सारे फेस से रिमूव हो जाने चाहिए। उसके बाद मैं फेस वॉश करूंगी। तो ये मैंने अपने मेकअप को रिमूव कर लिया है एंड देन मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। और फेस वॉश करने के लिए मैं मिनिमलिस्टिक का सैलिसिलिक प्लस LHA 2 प्लस क्लींजर इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मैं फेस को फ्लैट ड्राई कर रही हूँ। तो मैंने इसे क्लियर कर लिया है एंड अब हम इसमें से शीट मास्क निकालेंगे। इस तरह से शीट मास्क अब हम इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। और जो एक्स्ट्रा सीरम है वो मैं अपने नेक पे लगा ले रही हूँ, अपने नेक एरिया पे जो भी एक्स्ट्रा सीरम है। और पैकेट्स में जो भी सीरम है आपका एक्स्ट्रा, वो मैं नेक के बाद अपने हैंड्स पे लगा लूंगी। अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। उसका 15 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी स्किन पे इसका क्या असर हुआ। तो अब 15 मिनट्स हो गए हैं, तो अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। वाओ, आप देख सकते हो मेरे फेस पे इंस्टेंट कितना ग्लो आ गया। जो मेरे पिंपल्स के स्पॉट्स थे वो भी मुझे हल्के लग रहे हैं। तो बचे हुए जो भी सीरम आपके फेस पे है, आप उन्हें मसाज करके अपने फेस में एब्जॉर्ब होने दें। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है, इंस्टेंट ग्लो है। शीट मास्क बहुत बेस्ट ऑप्शन है एंड ये शीट मास्क से मेरे फेस पे काफी अच्छा ग्लो, बहुत अच्छा ग्लो आया है, आप देख सकते हैं। तो मुझे ये शीट मास्क बहुत ही बेस्ट लगा। बट आप कोई भी शीट मास्क अपने अफोर्डेबल प्राइस का शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये शीट मास्क बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट, बहुत अच्छा। मैंने काफ़ी सारे शीट मास्क ट्राई किए थे, गार्नियर का भी मैंने ट्राई किया है, नायका का भी मैंने ट्राई किया है। तो मुझे ये शीट मास्क बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत स्किन स्मूथ हो गई है। तो आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितना अच्छा ग्लो आपके फेस पे देता है। तो ये था आज का मेरा लॉरियल पेरिस शीट मास्क का रिव्यू। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और ये इसे ट्राई, मतलब मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे प्लीज़ ट्राई करना। आप एक बार ट्राई करोगे ना, आपको अपने फेस पे इंस्टेंट ग्लो दिखेगा, आप खुद इसको यूज़ करने लगोगे। एंड ये बहुत ही अच्छा शीट मास्क मुझे लगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।